हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चिकन चटनी चीज़ कबाब की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, तो अगर आप चीज़ लवर्स हो तो आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। इसके लिए हम बोनलेस चिकन ले लेंगे। एक फूड प्रोसेसर में आपको इसको डाल देना है। इसमें हम नमक ऐड कर लेंगे, चिकन पाउडर ऐड कर लेना है इसमें। इसमें हम आधा टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे, एक टीस्पून हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड कर लेना है, आधा टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा इसमें, आधा टीस्पून चाट मसाला, एक टीस्पून धनिया पाउडर, एक चौथाई टीस्पून गरम मसाला, एक चौथाई टीस्पून चिली फ्लेक्स, एक स्लाइस ब्रेड को इसमें तोड़ के डाल देना है और इसमें जाएगा एक टीस्पून बटर। सारी चीज़ों को हम एक फाइन पेस्ट बना लेंगे बिल्कुल इसी तरह से। भी चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है आधी मुट्ठी भर धनिया। इसमें हम थोड़े पुदीना के पत्ते ऐड कर लेंगे, 15 से 20 पुदीना के पत्ते हैं ये। इसमें हम 3 से 4 लहसुन की कलियाँ ऐड कर लेंगे। इसमें जाएगा आधा इंच टुकड़ा अदरक का, 2 हरी मिर्चियाँ ऐड कर ली है मैंने इसमें। इसमें हम आधा टेबल स्पून चीनी ऐड कर लेंगे। इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक स्वादानुसार। इसमें हम 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड कर लेंगे, 1/4 टीस्पून काला नमक ऐड कर लिया है मैंने इसमें, आधा नींबू का रस जाएगा इसमें। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। इसमें 2 से 3 हम आइस क्यूब डालकर इसको पेस्ट बना लेंगे। ज़्यादा पानी नहीं यूज़ करना है इसको बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने चिकन का पेस्ट ले लिया है। इसको हम एक बॉल का शेप देके इसको प्लास्टिक पे रखकर इसको स्प्रेड कर लेंगे। आप हाथों की मदद से इसको स्प्रेड कर सकते हो या बेलन यूज़ कर सकते हो इसको स्प्रेड करने के लिए। इसको बहुत पतला नहीं बेलना है, नहीं तो कबाब तेल में फट सकता है और चीज़ बाहर निकल जाएगा। इसको आप ज़्यादा मोटा रखोगे तो आपको इसको फोल्ड करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। प्लास्टिक को हम खोल कर इसके बीच में चीज़ स्लाइस रख देंगे। साइज के जो एक्स्ट्रा पेस्ट है हम निकाल देंगे, 3 साइज के हम एक्स्ट्रास को निकाल देंगे। चीज़ के ऊपर हम चटनी लगा देंगे और इसको स्प्रेड कर लेंगे अच्छी तरह से। 3 साइज को हमें फोल्ड कर लेना है और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है ताकि ये अच्छी तरह से सील हो जाए। बिल्कुल इसी तरह से आपको इसको फोल्ड करके इसको सील कर लेना है। अभी हम इसको फोल्ड करके इसका एक रोल बना देंगे, कबाब बना लेना है। अभी हम इसको अच्छी तरह से सील कर लेंगे और इसको रोल कर लेंगे ताकि ये एकदम चिपक जाए। कबाब को बहुत ही अच्छा शेप आ चुका है, आप देख सकते हो कि साइड्स पे भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है, ये बहुत नीट और क्लीन। इसी तरह से आपको सारे कबाब तैयार कर लेना है। यहाँ पे हमने 2 अंडे ले लिए हैं। इसमें हम नमक ऐड करके इसको विस्क कर लेंगे, अच्छी तरह से इसको बीट कर लेना है। अभी हम कबाब को अच्छी तरह से एग वॉश में कोट कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसको पैन को ब्रेड क्रम से कोट कर लेंगे। इसी तरह से आपको सारे कबाब तैयार कर लेने हैं। और अभी हम तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और इसको इसमें डालते जाएंगे। इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। इसमें से चीज़ बाहर निकल चुका है, आप देख सकते हो, बट आपको इसको फेंकना बिल्कुल भी नहीं। इसमें चीज़ है तो ये थोड़ा निकलेगा ही, तो आप पैनिक मत कर लेना। इसको जो भी चीज़ निकल रहा है तेल में आप उसको निकाल के, मेल्टेड चीज़ जो फ्राई हो रहा है तेल में वो बिल्कुल चीज़ लिंक्स की तरह लगेगा आपको। इसको आप फेंकना मत, आप इसको एंजॉय कर सकते हो। इसको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपको फ्राई करके इसको निकाल देना है। चीज़ को भी जो तेल में रह चुका है हम इसको भी निकाल देंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप इसको फेंकना मत। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आ गई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।